हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखेंगे BCS 011 का जो भी आपके ट्रिप्स, टिक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विद द सॉल्यूशन। एंड इसमें आपको मेरे पर्सनल नोट्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड हिस्ट्री। जैसे आपको कंप्यूटर का ओरिजिन हो जाएगा, जनरेशन, ऑपरेशन, है ना, कंप्यूटर सर्किट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम, CPU, यू नो, मेमोरी से रिलेटेड जितने भी होंगे, इनपुट आउटपुट और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, यू नो, सारी चीज़ को आपको इस बुक में एक्सप्लेन किया जाएगा। ये बुक में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ होते जो आपको आगे के लेवल में जाके प्रोवाइड होंगी, वो सब चीज़ें इस वो मिलती हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको मिल जाएगा ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, इसको रफ रीडिंग कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंड आपको कंप्यूटर जनरेशन हो जाएगा, जिसमें 4 जनरेशन होते हैं, आगे के भी जनरेशन अवेलेबल हो पा रहे हैं, बट इस बुक में आपको 4 जनरेशन पढ़ना, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, इसके जितने भी कब से कब तक ये जनरेशन चला है वो भी आप लोग देख लेना। एंड ऑप्शनल ऑपरेशनल एंड यूनिट सिस्टम है, सिस्टम यूनिट जो कि आपको मिल जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी और ये सब के आंसर्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड मेरे पर्सनल नोट्स को अगर आप लोग कैरी करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम में ज्वाइन करके ग्रुप में डाउनलोड कर सकते हो। पेज वाइज है, जो कि मैंने PDF नहीं बनाया है, उतना टाइम अवेलेबल उस टाइम नहीं हुआ था जो मैं बनाती। एंड इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट करने का है। ठीक है, आपको कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंशिएशन करने को मिल जाएगा, हाफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स और फुल डुप्लीकेट्स में आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, लैन और मैन में करना पड़ेगा, और इसके साथ वैन भी होता है, उसको आप ऐड कर लेना, इसमें नहीं लिख पाई हूँ मैं। एंड SARM है, DRM है, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, रोम रैम है, ट्विस्ट पेयर केबल है, इसका आप पिक्चर भी बना लेना, फैब्रिक ऑप्टिक्स, लेज़र, जेट प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से रिलेटेड जितने भी प्रिंटिंग के टाइप्स होते हैं वो सारे। एंड टोपोलॉजी में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जैसे रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें होंगी। बस टोपोलॉजी यहाँ नहीं लिखा बट मुझे जैसे याद है मैं आप लोग को कंफर्म कर दिया तो है। और इसमें इंटरक्रप्टर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, जनरेशन से रिलेटेड 3rd और 4th का जनरेशन आ सकता है इस बार का, मतलब टारगेट है, बिकॉज की पिछले बार 2nd का आया था। एंड रूटर स्विच, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको मेमोरी जो हमारा मेमोरी हायरार्की जो है हमारा, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को मिल जाएगा जो मैंने अभी नोट्स दूंगी। ठीक है, उसमें बाद उसके बाद शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ सकता है ये MICR पूछ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे कुछ होता है, ये ओपन सोर्स सिस्टम क्या है। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें ई लर्निंग नहीं लिखा मैंने, तो आप लोग ई लर्निंग को भी इंक्लूड कर लेना। टाइम शेड मैनेजमेंट क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग इंटरफेस, कार, रूटर, स्विच, गेटवेज, एंटीवायरस, फायरवेल, सो तो इसमें वो सब है जो कि आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, तो आप लोग क्लियर करना। और फ्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट है, आप करो या ना करो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा आपके, ये फ्लो चार्ट कम ही पूछता है। OSI मॉडल, मेमोरी हायरार्की, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी वाइफ, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, यू नो, और ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो भी, इसका फ्लो चार्ट सॉरी डायग्राम जो है वो आप लोग क्लियर कर लेना। अब आते हैं अभी, और ये जो आपसे कन्वर्जन पूछ सकता है, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, तो आप जो कन्वर्जन है वो भी आप लोग क्लियर कर लेना। आपको सॉल्यूशन आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सब्जेक्ट को पास करना बहुत इजी है, आप लोग हमेशा से, आप अगर पहले पढ़े होंगे 12th में तो आप लोग को पता होगा कि आपके रैम क्या होते हैं, रोम क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, रूटर स्विच गेटवेज क्या होते हैं। तो ज़्यादा हीवी नहीं है बट आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। एंड मेरे पर्सनल नोट के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, एंड सारे डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।